तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 16 दिन कंप्लीट करके आज 17वें दिन में एंट्री मान ली है और आज तो सैटरडे है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था क्योंकि आज शायद एंड ऑफ द डे तक जवान 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने से थोड़ा सा रह जाएगी या फिर मे बी एंट्री मार ही जाए, हु नोज। तो आज बात करते हैं जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल डे 16 का दिन कैसा रहा मूवी का, आज डे 17 यानी सैटरडे की ग्रोथ कैसी चल रही है, शानदार चल रही है या नहीं, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी, पहले हफ्ते में कितनी कमाई करी, पहले 2 हफ्ते में कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है, कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं, जहां तक है सभी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं दंगल को छोड़कर लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। तो सब बातों पर एक एक कर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है और अगर SRK के डाई हार्ट फैन हो और जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में लगभग 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, इसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें दीपिका और संजय दत्त जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। साथ में सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग एंड मैं कहूंगा कि सेकंड लीड में जो नयनतारा हैं, जो मोस्ट ब्यूटीफुल हैं, काफी अच्छे से साथ निभाया है शाहरुख खान का, जबरदस्त काम किया है। उसके बाद सपोर्टिंग में आपको सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर ने दमदार काम किया है और विलेन नेगेटिव पार्ट में, नेगेटिव कैरेक्टर में जो पूरा बैलेंस करके चला है, शाहरुख खान को फुल टक्कर दिया है एक विलेन के रूप में, विजय सेतुपति, सुपर फैंटास्टिक कैरेक्टर डिजाइनिंग बाई अटली कुमार। और विजय सेतुपति ने जो जान भरी है उस कैरेक्टर में, उस रोल में, भाई मजा आ गया, दमदार सिनेरियो, मतलब गजब का काम है। कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशल पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है और वो मजेदार भी लगा। साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और ये बहुत शानदार लगा क्योंकि साउथ की बहुत सी मूवीज में हमें स्टोरी का पार्ट बड़ा ही प्यारा लगता है, हालांकि एक्शन होता है, मसाला होता है, तो वही चीज़ हमें इसमें भी देखने को मिली और मूवी को एज पैन इंडिया भी रिलीज करा गया था। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस में क्या धूम मचाई है इसने पहले दिन से आज 17वें दिन तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया, 130 करोड़ का कलेक्शन पूरी दुनिया से किया, पहले 3 दिन में ही 385 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था पूरी दुनिया से और पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए सिर्फ, पहले हिंदी से बताऊंगा, पहले हफ्ते में 327 करोड़ की कमाई करी, उसके बाद टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले हफ्ते का रहा था 369 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी 660 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी अपने पहले ही हफ्ते में। इसी के साथ सेकेंड वीक की भी शुरुआत जबरदस्त तरीके से करी और 8वें, 9वें और 10वें दिन में सॉलिड ग्रोथ करी, बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ करी। उसके बाद पहले 10 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से ये मूवी 396 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी और ऑल इंडिया नेट से 442 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी और पूरी दुनिया से मूवी 10 ही दिनों में 812 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर चुकी थी। सिर्फ 10 दिनों में 800 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना बॉलीवुड की मूवी के लिए, किसी भी हिंदी मूवी के लिए, इतनी मामूली सी बात कोई थी ही नहीं। सिर्फ SRK ने ये करा है, शाहरुख खान ने ये पॉसिबल किया है, रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, रिकॉर्ड क्रिएट किया है। अब इसे देखते हैं कि कौन बीट डाउन कर पाएगा। एक ही फिल्म लग रही है इस टाइम पर, तो एक ही फिल्म लग रही है इस साल में आने वाली, कौन? Tiger 3, बस वही कर सकती है। अगर 9 दिन में टाइगर 3 ने 800 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली पूरी दुनिया से, भाई मजा आ जाएगा, तबाही हो जाएगी, कोई भी उस रिकॉर्ड को बीट डाउन कर ही नहीं पाएगा। मैं कहूंगा कि पैन इंडिया की कोई मूवी भी एक बार के लिए बीट डाउन नहीं कर पाएगी। सालार कर सकती है, लेकिन सालार के लिए भी टफ पड़ जाएगा एक बार के लिए उस रिकॉर्ड को बीट डाउन करने में। इसी के साथ 11वें दिन में सेकेंड संडे का फुल फायदा उठाते हुए मूवी अगेन जबरदस्त कमाई करी और पूरी दुनिया से पहले 11 दिन में कितना कमाया, 859 करोड़ की कमाई करके चली है, ह्यूज कलेक्शन। अगेन बात करें 12वें और 13वें दिन में कैसी ग्रोथ थी, वर्किंग डेज होने के कारण ग्रोथ में डिप देखने को मिला, उतना खास कलेक्शन नहीं आया। इसी के साथ 14वें दिन में यानी सेकेंड वीक कंप्लीट करते हुए मूवी ने पहले 2 हफ्ते में ही, मतलब 14 दिन में ही, सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर लिया था। इसी के साथ पहले 2 हफ्ते में तमिल तेलुगु से 54 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था मूवी ने। इसी के साथ पहले 2 हफ्ते में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी। इसी के साथ पहले 2 हफ्ते में सिर्फ ओवरसीज से 300 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में लेके आई थी जवान, जो कि ह्यूज कलेक्शन है। अगेन
300 करोड़ सिर्फ ओवरसीज से लेके आई। और यहाँ मैं बताऊँगा आपको कि बॉलीवुड और हिंदी भी कोई भी मूवी होगी तो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन भी कोई भी एवरेज मूवी का इतना नहीं जाता है। हालांकि एक बार के लिए भोला का भी लाइफ टाइम कलेक्शन इतना नहीं है जितना कि ये सिर्फ ओवरसीज से 300 करोड़ लेके आई, वो भी सिर्फ दो हफ्ते में। अभी और ओवरसीज से कलेक्शन आना बाकी है और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले दो हफ्ते में 922 करोड़ के आंकड़े पर पहुँच चुकी थी। भाई साहब ह्यूज ह्यूज कलेक्शन, 14 दिन में ही 900 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल मामूली बात नहीं है। इसी के साथ 15वें दिन में भी वर्किंग डेज होने के कारण स्लो ग्रोथ रही और हिंदी से 7.25 करोड़, नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर आया था 15वें दिन में 7.95 करोड़ का और पूरी दुनिया से ये मूवी 15वें दिन में 15 करोड़ की ही कमाई कर पाई थी। वर्किंग डेज में डिप जाता ही है, हर किसी फिल्म का जाता है, ग्रोथ स्लो होती ही होती है, चाहे कोई भी पैन इंडिया मूवी ले लो, चाहे कोई भी हॉलीवुड मूवी ले लो जो इंडिया में आती है या कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी चलती हो, वर्किंग डेज में उसकी ग्रोथ स्लो हो ही जाती है। सिर्फ सैटरडे और संडे ये दो दिन होते हैं बूस्टर के दिन, ब्रह्मास्त्र वाले दिन, बस इसी दिन कमाई बहुत ज़्यादा हाई निकलती है। बात करें कल यानी सेकंड फ्राइडे की, यानी 16वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ रही। कल भी डिप देखने को मिला क्योंकि वर्किंग डे था तो सिर्फ हिंदी से 7 करोड़ की कमाई करी और ऑल इंडिया नेट से कलेक्शन 8 करोड़ तक का ही रहा और ग्रॉस से लगभग 10 करोड़ के आसपास कमाते दिखी मूवी। और कल पूरी दुनिया से मूवी 16 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम करते नजर आई है। हाँ, पहले ही बता दूं कल की रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है, ऑफिशियल रिपोर्ट जब आएगी तो उस पर एक नई वीडियो बना दी जाएगी। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 16 दिन में 480 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी मूवी और पहले 16 दिन में नेट कलेक्शन 536 करोड़ हो चुका था। पूरी दुनिया से पहले 16 दिन में 953 करोड़ के आंकड़े को टच कर गई थी मूवी। तो भाई साहब मैं कल एंड ऑफ द डे तक का 953 करोड़ कमा चुकी थी ये मूवी, 953 करोड़ बाय गॉड। तो आज डे 17 है यानी आज सैटरडे है, तो एंड ऑफ द डे तक अगर ये मूवी पूरी दुनिया से 47 करोड़ का कलेक्शन आज ले आती है तो जवान 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी आज ही। वैसे तो मुमकिन नहीं लग रहा है बट हु नोज कब कहानी पलट जाए, मिरेकल हो जाएगा भाई साहब, वाकई मिरेकल हो जाएगा अगर 47 करोड़ आ जाता है, अगर आज 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाती है या फिर चलो 995 करोड़ के आसपास ही आ जाए, चलो 990 करोड़ से ही ऊपर चले जाए तो मजा आ जाएगा कसम से। इसी के साथ बात करते हैं आज यानी डे 17 में यानी सैटरडे को कैसी ग्रोथ चल रही। तो आज तो धमाकेदार ग्रोथ चल रही है, एज यूजुअल सैटरडे बूस्टर होता है और ये फुल फायदा उठा रही। तो ओवरऑल 20 से 25% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में जबरदस्त हाउसफुल लेकर चल रही है। और भी हाउसफुल शोज ले सकती थी लेकिन दूसरी तरफ विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली भी अब काफ़ी शो छीन लिए हैं जवान से। अगर ये मूवी ना होती तो आज शायद मैं कह सकता था, दावे के साथ कह सकता था कि आज मूवी 50 करोड़ का पूरी दुनिया से कलेक्शन ले आती, लेकिन विकी कौशल की मूवी लगी पड़ी है तो ये कुछ ना कुछ शो खींच रही है और वो दिख भी रहा है। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 17 करोड़ तक देखने को मिल रहा है जिसमें सिर्फ हिंदी से 15 करोड़ का कलेक्शन आता दिख रहा है और पूरी दुनिया से ये मूवी आज 30 से 32 करोड़ की ही कमाई करते नजर आ रही है। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 17 दिन में मूवी एंड ऑफ द डे तक 495 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने नाम कर लेगी और साथ ही साथ पहले 17 ही दिनों में आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 553 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार लेगी और पूरी दुनिया से जवान आज एंड ऑफ द डे तक 985 करोड़ के कंप्लीट कर लेगी। बट ये आंकड़ा मे बी 1000 करोड़ को भी टच कर सकता है, जो मैंने पहले बताया कि सैटरडे बूस्टर होता है, अगर फायदा उठा लिया तो मजा आ जाएगा। इसी के साथ ये भी कि कल डे 16 की रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है, ऑफिशियल नहीं आई है, तो हु नोज 16वें दिन की जो कल की रिपोर्ट थी उसमें अगर आंकड़ा बढ़ गया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मूवी आज डे खत्म होते होते, सैटरडे खत्म होते होते 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ही लेगी। आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी आज सैटरडे एंड ऑफ द डे तक 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी? आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है, आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।